हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग वीडियो ऑन हाइबरनेट दिस इज द लेक्चर नंबर नाइन ऑन हाइबरनेट इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू राइट सब क्वेरी इन एचक् सो लेटेस्ट गेट स्टार्टेड नाउ सो वेरी फर्स्ट विल डिस्कस द सिनेरियो इन विच सब क्वेरी इज रिक्वायर्ड जैसा कि हम जानते हैं कि सब क्वेरी की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जो पर्टिकुलर क्वेरी में अननोन होती है और उस अननोन वैल्यू को भी हम एक क्वेरी के अगेंस्ट सेलेक्ट करेंगे ऐसा कुछ जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक ई टेबल है इसी ई एम टेबल को हम हाइबर में यूज करेंगे सो इस ई टेबल में मान के चलिए कि हमें एक ऐसी क्वेरी फायर करनी है जिसमें हमें उन सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने हैं जो उसी डिपार्टमेंट में है जिस डिपार्टमेंट में राम है समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हमें सेलेक्ट करने हैं जो उसी डिपार्टमेंट में है जिसमें राम है तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करें जो किस डिपार्टमेंट में है वो हमको नहीं मालूम बट वो उस डिपार्टमेंट में है जिसमें राम है तो सबसे पहले हमें राम का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर वो जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट होगा उनके रिकॉर्ड सेलेक्टेड सेलेक्ट करने पड़ेंगे एक तरीके से दो क्वेरी की रिक्वायरमेंट है पहले राम का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करो और फिर वो जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट uh, है उसके सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो तो इस सीन में हमें सब क्वेरी की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके की क्वेरी यदि हमें एचक्ल में हाइबरनेट क्वेरी में लिखना हो तो कैसे क्या लिखेंगे वो हम यहाँ पे समझे सो तो अब हम एक सीनरी यहाँ पे ले लेते हैं सिंस वी आर यूजिंग द एचक्ल तो सबसे पहले हम क्वेरी इंटरफेस का एक रेफरेंस बना लेते हैं उसके लिए हम लिखें क्वेरी क्यू इक्वल नाउ हाइबरनेट सेशन पे क्रिएट क्वेरी मेथड हमने कॉल किया अब यहाँ पे हम सब क्वेरी लिखेंगे तो सब क्वेरी बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे एसक्वल में लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लाई है ना आउटर क्वेरी जो कि अपनी मेन क्वेरी है और उसके बाद में सब क्वेरी या इनर क्वेरी पर आएंगे सो फ्रॉम एम्प्लाई वेयर कंडीशन में डिपार्टमेंट इक्वल अब डिपार्टमेंट इक्वल हमको नहीं मालूम बट वो डिपार्टमेंट जिसमें राम है तो राम के डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सब क्वेरी लिखेंगे तो सब क्वेरी लिखने के लिए पहले पैरेंथिस लगाए और पैरेंथिस में हम लिखें सेलेक्ट डी पी टी फ्रॉम एम्प्लाई वेयर ई एम पी नेम इक्वल और चाहो तो यहाँ पे आप पोजिशनल स्ट्रिंग लिख दो या फिर नेम डिस्ट्रिंग लिख दो मैं नेम डिस्ट्रिंग लिख रहा हूँ क्योंकि हाइबरनेट इसको प्रिफर करने के लिए, के लिए कहता है सो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉलन फॉलोड बाई नेम अब ये जो कॉलन फॉलोड बाई नेम लिखा हुआ है हमने इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि हम सेटर मेथड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे एंड सिंस वो ई नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप को यूज करूँगा सो so, क्यू डॉट सेट स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नेम क्योंकि वहां में हमने कॉलोन फॉलोड बाई नेम लिखा हुआ है तो ये यह, यहाँ पे नेम की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है आराम सेज हाउ टू राइट द सब क्वेरी जिसमें हमने लिखा मेन क्वेरी फ्रॉम एम्प्लाई वे आर डिपार्टमेंट इक्वल फिर सब क्वेरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लाई वे आर ई एम पी नेम इक्वल एंड देन यहाँ पे हमने uh,

है ना यहाँ पे देखे राम जो है वो सी एस डिपार्टमेंट में है तो सी एस डिपार्टमेंट के दो अदर एम्प्लॉईज है इसमें एक ही दूसरा एम्प्लॉई है रामा उसका रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो गया okay? और क्वेरी क्वेरी भी बराबर ये सिलेक्ट लिखा हुआ है और इसमें बराबर सब क्वेरीज उसने इंक्लूड कर दिया है फाइन लुक हियर डिपार्टमेंट इक्वल एंड दिस वन सो दिस इज हाउ टू राइट सब क्वेरी इन एचक् थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो